यूपी के बदायूं में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां पोस्टमार्टम हाउस का वह काला सच सामने आया है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। जी हां, पोस्टमार्टम के बाद मृत शरीर से अब मानव अंग गायब होने लगे हैं, जिसकी नगर में खासी चर्चा है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला उस वक्त सामने आया जब पोस्टमार्टम के बाद विवाहिता की दोनों आंखें गायब थी। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। थाना अलापुर गांव कुतरी के रहने वाले गंगा चरण ने अपनी बेटी पूजा की शादी थाना गुजरिया क्षेत्र के रसूला गांव निवासी प्रकाश के बेटे जोगिंद्र से 26 फरवरी 2023 को की थी। शादी के बाद से पति जोगिंद्र पूजा के घर वालों से होटल खोलने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। वहीं परिजनों का आरोप है, जब उन्होंने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो पूजा के ससुराल वालों ने उनकी बेटी को फांसी पर लटका कर हत्या कर दी। मेरी भतीजी की शादी लगभग 9-10 माह पहले हुई थी और ससुराल वालों ने, मतलब मैं कुतरी रहता हूँ, ससुराल वालों ने दहेज की खातर उनसे 2 लाख रुपए मांगे थे और उसी कारण उसकी मौत कर दी थी। उसे फांसी पर लटका दिया, उसे हम वहाँ से लाए थे जिला अस्पताल में, उसके लिए भर्ती कर दिया था उसके लाश के लिए। तभी हम सभी लोग ग्रामीण आए थे अपने साथ सभी लोग, तभी हमने देखा था उसका, मतलब पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के जब हमने घर लेके गए थे उस लाश के लिए, तब सब सारे लोग गांव वाले आए थे, तब देखा था उस हमारी भतीजी की आंखें नहीं थी। सूचना मिलते ही मायके वाले पूजा की ससुराल पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जब पूजा के शव को परिजन गांव अपने घर लेकर पहुंचे तो पूजा की दोनों आंखें गायब थी। आंखें गायब देख परिजन भी चौंक गए और आनन फानन में। वे डीएम मनोज कुमार से मिले तो डीएम ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच के आदेश दिए और रात में ही मौके पर सीओ, थानाध्यक्ष, फॉरेंसिक टीम पहुंची और पूजा के शव को कब्जे में लेकर दोबारा से पोस्टमार्टम को भेज दिया। रात 1 बजे डॉक्टरों के पैनल ने पूजा का दोबारा पोस्टमार्टम किया। फिलहाल परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी, फार्मासिस्ट और डॉक्टर पर आंखें गायब करने का आरोप लगाया है। डीएम ने कहा है कि जांच के बाद हर कीमत पर कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।